तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट डिग्री। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको मार्केट की कुछ ना कुछ हमेशा जानकारियां देता हूं। तो भाई, आज की जो जानकारी रहने वाली है सॉफ्टवेयर वालों के लिए रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भाई MMC की हेल्थ क्या होती है, रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, MMC में क्या क्या काम कर सकते हैं, तो ये हमें बताएंगे शाकिब भाई। तो शाकिब भाई से तो हम बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मैंने नंबर दिया, इस नंबर पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कितने टाइमिंग का कोर्स होता है, कितने बजे से कितने बजे तक होता है, सारी की सारी डिटेल आपको मिलने वाली है। तो टाइम का शॉर्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर हमें बताएंगे कि MMC की क्लास कौन सी होती है, वीडियो के साथ साथ हमें कौन सी क्लास ये करके दिखाने वाले वो भी हम जानेंगे। अगर आप अपना कोई फोन रिटर्न देते हैं, किस वजह पे रिटर्न दे देते हैं, चाहते हैं कि वो फोन रिटर्न नहीं देना पड़े, तो आपको सर से मिलना पड़ेगा। तो सर बताइए, आप अपना नाम बताइए और ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है वो बताइए सर। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ब्रिटको इन ब्रिटको में खड़े हैं। ये इंस्टीट्यूट दिल्ली करोल बाग कफार मार्केट में है और मेरा नाम है मोहम्मद साकिब। मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ कि MMC का हम बैकअप कैसे लेंगे। कुछ लोगों की बहुत कंफ्यूजन होती है कि बैकअप सर कितना लें, क्यों लें, वो बैकअप क्या करेगा। तो मैं बैकअप के बारे में सारा समझाऊँगा कि हम कितना बैकअप लेंगे और कैसे बैकअप लेंगे और ये हमारे फ़ोन में क्या क्या करेगा। बिल्कुल सर। तो सर एक चीज़ बताइए मुझे, यहाँ पे सिर्फ आप MMC का ही काम सिखाते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर, या सारा कुछ सिखाते हैं? सर पूरा सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिक से लेके MMC UFS तक सिखाते हैं। ओके, तो इसके अंदर सारे बॉक्स कवर हो जाते हैं? हाँ, बेसिक जो वैसे मैं क्या हूँ UFI में सिखाता हूँ, कोई अगर स्टूडेंट कहता है JTAG से भी सिखाना है जी, तो मैं JTAG से भी सिखाता हूँ। बिल्कुल, JTAG UFI ज़्यादा दुनिया में यही ज़्यादातर चलते हैं। बिल्कुल। तो भाई आज के टाइम की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें आती है, मतलब सॉफ्टवेयर का तो हाथ लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है उनके लिए जो बिल्कुल समझते नहीं है। तो भाई यहाँ पर सर एक चीज़ बताइए मुझे, जो पहले से काम कर रहे हैं ये कोर्स उनके लिए, या जो हार्डवेयर का काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में आना चाहते हैं उनके लिए? अगर सिर्फ MMC UFS का कोर्स करेंगे ना तो उनको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। ओके, अगर सॉफ्टवेयर नहीं आता तो उनको हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर भी सीखना पड़ेगा और MMC UFS भी सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिनको MMC UFS सीखना है उनको सॉफ्टवेयर आना चाहिए। उनके लिए पहले कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, उनके जवाब ना तो देखना, उनकी नॉलेज को देखा जाएगा। अगर उनकी नॉलेज है इस लायक कि MMC UFS डायरेक्ट वो सीखें, बिल्कुल, तो डायरेक्ट उनको MMC UFS सिखाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो और जो हार्डवेयर कर रहे हैं वो तो मतलब उनका तो बेसिक से स्टार्ट होने वाला है, बेसिक से स्टार्ट होगा सॉफ्टवेयर। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो भाई कोर्स कितने टाइमिंग का है, कितनी फीस रहने वाली है, वो सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उस नंबर पर डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज सर हमें भाई पीछे स्क्रीन बड़ी सी लगी हुई है, इसके ऊपर क्या दिखाने वाले हैं वो हम एक बार ही देख लेते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा UFI से बैकअप कैसे लेते हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, सर बैकअप कितना लें, क्यों लें, इस बैकअप से क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बारे में मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, UFI टूल बॉक्स खोलना है, MMC टूल बॉक्स खोलना है। किस लिए? MMC को रिपेयर करने के लिए। तो इसको टूल बॉक्स में मैंने खोल लिया। हम क्या करेंगे, बस बिट के अंदर पहले हम सेलेक्ट करेंगे 1 बिट। क्यों? क्यों कभी कभार ऐसा होता है वीक MMC अगर ऑटो पे हम करेंगे ना, तो कभी कभार ऐसा होता है वीक MMC 4 बिट या 8 बिट पे कनेक्ट हो गए, डेड हो जाती है कभी कभार। तो इसलिए हमें ऑलवेज 1 बिट पे सेलेक्ट करके आइडेंटिफाई करना है। ये कर दिया मैंने आइडेंटिफाई, ठीक है। आइडेंटिफाई होने के बाद हमारी MMC कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हमारी MMC कनेक्ट हो गई, MMC के सारे लॉग्स आ गए। अब इसका बैकअप लेने के लिए MMC का बैकअप, जिसको हम डम फाइल बोलते हैं, उसमें 4 फाइलें होती हैं, EXE CSD, यूज़र एरिया, boot 1, boot 2, ठीक है जी। अब EXE CSD, boot 1, boot 2 क्या होती है, हमारी MMC की बूट फाइल्स होती हैं। EXE CSD के अंदर हमारा ये पूरा बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, जैसे ये बूट कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38, 0x00, ये सारा बूट कॉन्फ़िगरेशन सेव होता है किसके अंदर, EXE CSD के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है यूज़र एरिया। अब यूज़र एरिया क्या है, ये हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर है। इसको मैं आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा, यूज़र एरिया है क्या, इसमें क्या क्या होता है, उसका बैकअप कैसे लेंगे हम। अब मैं एक ले लेता हूँ, एक MMC बनाता हूँ। ये हमारी है MMC। ये MMC हमारी कितनी GB की, 64 GB की है। 64 GB की इंटरनल मेमोरी होती है, तो उसमें जो कस्टमर के लिए यूज़ होती है पूरी 64 GB नहीं होती, अराउंड 56-57 वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से होती है, ठीक है। तो मान लो हमारा 56 GB हो गया कस्टमर का मीडिया फाइल जिसमें आती है, इसको बोलते हैं हम यूज़र डाटा। क्या? यूज़र डाटा। बाकी जो कितना 8 GB बचता है, ये हमेशा ये नहीं है 64 GB के अंदर 8 GB बचेगा या 56 GB, वो हर फ़ोन का अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग स्पेस होता है। तो मैं हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कर रहे हैं। ये 8 GB क्या है, हमारा सिस्टम का सॉफ्टवेयर,
सिस्टम डाटा, इसको क्या कहेंगे हम, सिस्टम डाटा या सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये हो गया हमारा 8GB सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम जो डंप लेते हैं वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। किसका डंप लेंगे ये मैं दिखाता हूँ आपको। यूजर एरिया में सबसे पहला ऑप्शन है ऑटो। ऑटो पे अगर डंप लेंगे तो पूरी MMC का डंप लेगा, पूरी 64GB सिस्टम सॉफ्टवेयर भी लेगा और यूज़र डाटा भी लेगा अगर हम ऑटो पे लेंगे। नीचे साइज़ आ रहे थे, साइज़ है ना 32MB, 64MB, 128MB। अगर हम साइज़ के हिसाब से लेंगे तो बैकअप जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है सॉफ्टवेयर से। तो यहाँ से जो स्टार्ट होगा ना वो 32MB लेंगे तो थोड़ा सा बैकअप लेगा, सिर्फ इतना बैकअप लेगा। उससे थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा ले लेगा, थोड़ा और ऐसे ऐसे करके जैसे साइज सेलेक्ट करेंगे वो बढ़ता रहेगा। आप और देखोगे तो उसमें अंदर ऑप्शन है एक्सक्लूड यूज़र डाटा। क्या है ऑप्शन? एक्सक्लूड यूज़र डाटा। एक्सक्लूड यूज़र डाटा लोगे तो पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का बैकअप लेगा, मीडिया फाइल छोड़ देगा। ठीक है, एक्सक्लूड यूज़र डाटा अगर लोगे तो पूरा सिस्टम का सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे फ़ोन में जितने भी पार्टीशन, हमारे फ़ोन में तीन तरीके के पार्टीशन होते हैं। कौन कौन से पार्टीशन होते हैं? तीन तरीके के, मेन पार्टीशन, सिक्योरिटी पार्टीशन और क्रिटिकल पार्टीशन। बहुत से लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा मेन पार्टीशन क्या है, सिक्योरिटी पार्टीशन क्या है, क्रिटिकल पार्टीशन क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अब आपको बताना है मेन पार्टीशन, क्रिटिकल पार्टीशन और सिक्योरिटी पार्टीशन के बारे में। तो यूजर एरिया पार्ट के अंदर आएंगे। सिक्योरिटी पार्टीशन तो सबको पता होगा, जिसके अंदर हमारा नेटवर्क की फाइल्स होती है। जैसे क्वालकॉम है तो MODEM ST1, MODEM ST2 और FSG, MIRATEC है तो PROTECT1, PROTECT2, NVRAM, NVDATA। यूजर एरिया पार्ट में आएंगे, ये हमारे पार्टीशन है। ये पिंक कलर के पार्टीशन भी आप मान सकते हैं सिक्योरिटी पार्टीशन है। अब आप कहेंगे क्रिटिकल पार्टीशन क्या होता है और मेन पार्टीशन क्या होता है। मेन पार्टीशन वो होता है जो हमारी फ्लैश फाइल के अंदर आता है, जैसे रिकवरी और सिस्टम बूट, मॉडम है, काफ़ी सारे। आप कोई फ्लैश फाइल सेलेक्ट करोगे ना, फ्लैश फाइल, उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा मेन पार्टीशन क्या होते हैं। यहाँ पे रॉ प्रोग्राम जीरो आप सेलेक्ट करेंगे तो जो फाइल फ्लैश हो रही है ना उसको हम क्या कहते हैं, मेन पार्टीशन। सिक्योरिटी पार्टीशन क्या है, जिसके अंदर नेटवर्क फाइल्स होती हैं। और फिर है क्रिटिकल पार्टीशन। क्रिटिकल पार्टीशन वो है जो पार्टीशन फ्लैशिंग से फ्लैश नहीं हो रहे, वो भी हमारे फ़ोन में इम्पॉर्टेंट हैं। वो कुछ सेंसर्स सपोर्ट करते हैं, कैमरा चलाते हैं, फिंगरप्रिंट वगैरह चलाते हैं, तो वो भी हमारे मोबाइल में ज़रूरी है, क्रिटिकल पार्टीशन। ठीक है, तो हम अगर छोटे साइज़ का बैकअप लेंगे, छोटे साइज़ का अगर हमने बैकअप लिया ना 32MB, 128MB, तो हमें क्या करना है, मैन्युअली बैकअप लेना है क्रिटिकल और सिक्योरिटी पार्टीशन का। कौन से पार्टीशन का? क्रिटिकल और सिक्योरिटी। वो कैसे लेंगे? यूजर एरिया पार्ट में आएंगे। यूजर एरिया पार्ट में आने के बाद जो बड़े बड़े पार्टीशन है ना उनको अनटिक कर देंगे। पहले सबको टिक करेंगे, फिर बड़े पार्टीशन को अनटिक कर देंगे। जो बड़े पार्टीशन है ना उनको छोड़ दो, जो हमारी फ्लैश फाइल के अंदर फ्लैश हो रहे हैं, यूजर डाटा, OEM, बड़े पार्टीशन छोड़ दो और फिर बैकअप ले लो, रीड कर लो। ठीक है, ये हमारा मैनुअली पार्टीशन रीड का प्रोसेस है। तो छोटे साइज का अगर बैकअप लेंगे तो मैन्युअली हम ले सकते हैं। फिर लास्ट ऑप्शन है इसके अंदर कस्टम। कस्टम कैसे बैकअप लेंगे? कस्टम में हम अपनी मर्जी का बैकअप ले सकते हैं, जहाँ तक, जिस पार्टीशन तक हमें चाहिए। वो कैसे लेंगे? हम आएंगे यूजर एरिया पार्ट के अंदर, जहाँ तक हमें बैकअप चाहिए ना, पहले देख लो हमें कहाँ तक बैकअप चाहिए। ये सिस्टम देखो बहुत बड़ा पार्टीशन है 1GB का, तो सिस्टम के ऊपर का बैकअप ले लेते हैं। सारे छोटे छोटे साइज़ छोटे पार्टीशन है तो सिस्टम के ऊपर के पार्टीशन को हम बैकअप लेंगे। तो कैसे लेंगे? कस्टम के अंदर सिस्टम के ऊपर का चाहिए ना, तो सिस्टम का स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे हम। सिस्टम के स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे, क्या है, 0x0e18c000। अगर हमें सिस्टम तक पार्टीशन चाहिए होता तो सिस्टम के नीचे है उसका स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करते हैं हम। तो क्या करना है, हमें बूट तक लेना है पार्टीशन, तो सिस्टम के स्टार्ट एड्रेस को कॉपी करेंगे। फिर हम वापसी कस्टम पर आएंगे, वापसी इधर प्रोग्राम में आएंगे, यहाँ कस्टम सेलेक्ट करेंगे, फिर करेंगे रीड। रीड करने के बाद यहाँ वो एड्रेस डाल रहे हैं। अब इसको कर देंगे ओके, देखो बैकअप लेना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कितना छोटा साइज़ का बैकअप होगा। इसके अंदर क्रिटिकल पार्टीशन भी आ जाएंगे और हमारे सिक्योरिटी पार्टीशन भी आ जाएंगे। सिर्फ 225MB का बैकअप ले रहा है ये। ठीक है जी, 225MB का बैकअप ले रहा है। इसमें हमारा क्रिटिकल भी आ गया, सिक्योरिटी पार्टीशन वो भी हमारा बैकअप हो गया। MMC हम क्यों करते हैं रिपेयर, डंप वगैरह क्यों लेते हैं? हम इसलिए लेते हैं, हम MMC की हेल्थ रिपेयर करनी होती है। हमारी MMC की हेल्थ ख़राब हो जाती है, इसलिए हम MMC की हेल्थ रिपेयर करते हैं। हेल्थ रिपेयर करने के बाद डिवाइस वो दोबारा ऑन हो जाता है। और क्वालकॉम अगर है, क्वालकॉम के अंदर अगर सैमसंग की MMC है, क्वालकॉम CPU के अंदर सैमसंग की MMC लगी है, तो उसकी हेल्थ रिपेयर करने के बाद हम MI के अलावा किसी मोबाइल या ब्रांड को ऑन नहीं कर सकते, अगर बूट लोडर अनलॉक ना हो। बूट लोडर अनलॉक विद MMC पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम चेंज नहीं कर सकते। MIRATEC है तो सारा चेंज कर सकते हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए। आने वाले टाइम में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।